अल्टरनेटिंग क्लास के लिए, मेडिकल के लिए आई टी मेन और आई टी एडवांस के लिए और अभी क्लासेस सारे ऑफलाइन स्टार्ट हो गए हैं और हर संडे को हम लोग के यहाँ टेस्ट होता है डेली डी पी एस देना पड़ता है पैकेज है तो बहुत बिजी हो गया हूँ मैं इसलिए अभी ऑनलाइन वीडियो नहीं आ पा रहा है तो रीजन है कि क्लासेस बहुत सारे क्लासेस खुल गए हैं एक साथ और टेस्ट हर संडे टेस्ट हो रहा है तो टेस्ट और सारे सारे बैच का टेस्ट अलग होता है तो पे, पेपर बनाना पड़ जाता है और आपका सीट देना पड़ता है इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा है तो कुछ टॉपिक जो है फिजिक्स का कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि फिजिक्स के दो टॉपिक नवंबर से पहले हमको कंप्लीट करना है और वो है एक एसी अल्टरनेटिंग करंट और एक ईएमएफ इंडक्शन uh, ये दो टॉपिक है तो मैं कोशिश करूँगा uh, जो भी टाइम एक घंटा कहीं मुझे मिल जाता है दिन भर में तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आपको और uh, आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अल्टरनेटिंग करेक्ट ट्वेल्थ क्लास के लिए मेडिकल आई टी में और आई टी एडवांस के लिए ठीक है बहुत आसान टॉपिक है रिजल्ट है बहुत सारा रिजल्ट है और रिजल्ट में मैथ है कहीं कहीं डिफ्रेंसीसन कहीं इंटीग्रेशन आएगा बट एकदम लास्ट में आप सब सारे रिजल्ट को एक जगह आप uh, एक पेपर में लिखेंगे ना तो बहुत ईजीज सा बहुत क्वेश्चन आता है मेडिकल में बहुत क्वेश्चन है आई मेन में है एडवांस में है एम्स में बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा आपसे तो सर्किट है एल सर्किट है आर सर्किट है सी सर्किट है ए का और फिर दोनों दो का कम्बिनेशन एल आर सर्किट होता है एल सी सर्किट होता है आर सी सर्किट होता है फिर एल आर सी सर्किट एक साथ तीनों को एक साथ हम लोग कंबाइन करेंगे तो डेरिवेशन बड़ा बड़ा है बट फाइनल रिजल्ट अगर आप एक जगह कलेक्ट करेंगे तो पूरा टॉपिक एक पेज में आ जाता है मतलब एक जगह आप कलेक्ट करके को करके आप बनाएंगे तो ठीक है तो अभी तो हम लोग फंडामेंटल रिजल्ट डिस्कस करेंगे यहां पे, अल्टरनेटिंग करंट को एसी, एसी बोलते हैं नंबर वन सो दो करंट होता है एक तो डीसी है जो बैटरी से करंट इमिट होता है जो कि आप करंट में क्रच लॉ में हंड्रेड प्लस क्वेश्चन आपने बनाया है तो बैटरीअ कम्बिनेशन ऑफ बैटरी भी आपने डिस्कस किया था तो बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो डीसी करंट है तो आप नंबर वन में ऐसे लिख लेंगे ये है बैटरी ये बैटरी हो गया ये बैटरी का EMF, ये एम होता है बैटरी का ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का ये निगेटिव टर्मिनल है और अगर ये डिस्चार्जिंग हो रहा है बैटरी डिस्चार्ज करता है तो बैटरी डिस्चार्ज करने में यहाँ से करंट ऐसे ये करंट ऐसे इमिट करता है और इस करंट को डीसी बोलते हैं ये हम लोग ने करंट में पढ़ा हुआ है और अल्टरनेटिंग करंट अलग है वो है करंट फ्रॉम पावर प्लांट तो ये पहले आप लिख लेंगे आई यहाँ जो आप आई देख रहे हैं आई दी सी डी सी को बोलते हैं डायरेक्ट करेंट आप बोलेंगे करंट फ्रॉम बैटरी फ्रॉम बैटरी या फिर ये अल्टरनेटिंग करंट अलग है एसी सो पावर प्लांट जैसे घर में इलेक्ट्रिसिटी जो आ रहा है जैसे ये मेरे ज रूम में जो बल्ब चल रहा है तो उसमें जो एनर्जी करेंट सप्लाई हो रहा है वो अल्टरनेटिंग करेंट है तो करेंट फ्रॉम पावर प्लांट एनी टाइप ऑफ पावर प्लांट हाइड्रो पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट जैसे मैं पटना में हूँ तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है एन बिहार में दो यूनिट है एन का एक कहलगांव भागलपुर के पास और एक पटना के पास बाड़े दो यूनिट है तो दोनों यूनिट जो हमें बिहार के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है तो वो थर्मल पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी आया पावर प्लांट से वो ए अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग करेंट उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से आप बनाएंगे क्यों ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे और यहां जो करंट है इसको हम लोग बोलते हैं एसी ल्टरनेटिंग करेंट करंट फ्रॉम पावर प्लांट कोई भी पावर प्लांट हो थर्मल हो न्यूक्लियर हो या हाइड्रो पावर प्लांट ये और इस करंट को हम लोग इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं ये इंड्यूस्ड करंट है, है। इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट होता है वो मैं डिस्कस कर दूंगा उससे क्वेश्चन भी आया हुआ है आई टी मेन में भी पूछा हुआ और नेट में भी पूछा हुआ है तो ये करंट जो होता है वो जनरेट होता है जो पावर प्लांट में वो इंड्यूस्ड करंट है और इसका जो मोस्ट कॉमन फंक्शन जो बनता है वो आईज एक्ल टू आई नॉट और साइन ओ डी ये एक साइनोसाइडल फंक्शन बनता है अल्टरनेटिंग करेंट का वो मैं अभी समझा देता हूँ आपको और इसी जो साइन वेव होता है ना उसी के चलते ए को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं मान लीजिए एक करेंट है और यहाँ पे अगर हम लोग थीटा या आप साइन ओमेगा डी या आप लिख सकते हैं आई जेकॉल्ड डो आई नॉट साइन थीटा अगर आई नॉट और साइन थीटा ओमेगा डी की जगह थीटा फंक्शन बनाएंगे तो आप जानते हैं कि साइन थीटा का ग्राफ जानते हैं साइन थीटा का ग्राफ जो होता है वो ऐसे ये साइनसाइडल वेव हुआ ऐसा तो इसीलिए हम लोग ए सी को साइन वेव फंक्शन भी बोलते हैं इसलिए इसी ग्राफ के चलते ए सी को हम लोग इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कैसे जनरेट किया जाता है अल्टरनेटिंग करेंट वो मैं समझा दे रहा हूँ आपको नेक्स्ट मैं आपको ए, कैसे ये पावर प्लांट से अल्टरनेटिंग करेंट जनरेट किया जाता है वो मैं सिखा देता हूँ आपको और वहाँ क्वेश्चन भी है नोमेरिकल भी है और थ्योरी भी पूछा हुआ है देखिए पूरा पावर प्लांट से कैसे एनर्जी जनरेट होता है उसके अंदर जो होता है मेन यूनिट होता है और उसके बाद वो वहाँ से स्टीम जनरेट किया जाता है स्टीम से टरबाइन चलेगा टरबाइन से जनरेटर लगता है कनेक्टर किया जाता है तो ये सब चीज़ें हम लोग रेडियो एक्टिविटी जहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हम लोग को यहाँ सिर्फ एक यूनिट डिस्कस करना है कि जैसे स्टीम स्टीम बना स्टीम के बाद टर्बाइन पर गया स्टीम स्टीम जो है टर्बाइन को रोटेट करेगा वो टर्बाइन कनेक्ट रहेगा जनरेटर से तो मुझे यहां डिस्कस करना है एसी जनरेटर और वो जनरेटर जब रोटेट करेगा तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है तो वो थ्योरेटिकल पार्ट है कैसे एसी करंट जनरेट होता है सो थर्ड पॉइंट हम लोग प्लान करेंगे एसी जनरेटर जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और जो करंट यहां से स्टार्ट हो जाएगा मिलना आपको तो देखिए एसी जनरेटर के लिए एक ड्राइंग आपको समझना है तो अभी वेट करेंगे अभी आप नहीं बनाएंगे ये क्वाइल लेना है एक आपको क्वाइल लेना है ठीक है तो इस क्वाल का ए लिख लेंगे ए द एरिया ऑफ क्वाल ये एक क्वाल आपको लेना होता है बहुत सारे ऐसे क्वाइल रहते हैं ये बहुत सारा ऐसा क्वाइल रहेगा और आपको लिखना है ए ए द एरिया ऑफ क्वाइल तो क्वाल का एरिया ले लीजिए ठीक है इस पर आपको वायरिंग करना है अब बहुत सारा वायर जो है ना इसपे ऐसे जस्ट वायर ऐसे तो एन कर लेंगे एन द नंबर ऑफ टर्न्स कितने टर्न्स क्या हुआ उस जो क्वाइल है उस पर नंबर ऑफ टर्न्स है ये एन एन हमें लिखना है एन द नंबर ऑफ टर्न्स इन क्वाइल तो क्वाइल में हमें एक वायरिंग करना है कॉपर का वायर लेना है उसमें बहुत सारे टर्न्स रोटेशन करना है तो नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा ये रोटेट करेगा ये यहां पे रोटेट करेगा यहाँ पे लिख लेंगे ओमेगा एंगुलर स्पीड ऑफ क्वाल क्वाल को रोटेट करना है। सो so, थीटा के टर्म में भी अगर प्रेजेंट करना होगा तो आप जानते हैं एंगुलर स्पीड एंगुलर स्पीड जो होता है वो आ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है तो अगर थीटा चाहिए तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी जरूरत पड़ेगा हम लोगों को तो हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट इस क्वाल को आपको रखना है मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल कुछ ऐसे बना दे रहा हूँ ये ऐसा ये है मैग्नेटिक फील्ड यह नॉर्थ पोल मैग्नेट का और यह है साउथ पोल। तो मैग्नेट आपको लेना है मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ पोल बनाना है और यह मैग्नेट जो होता है वो बीच में क्रिएट करेगा मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्रिएट कर देता है मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये यहां पे बना लेंगे बी तो मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए आप ड्रॉइंग आप कर सकते हैं मैग्नेटिक आर लिख लीजिएगा आर द रेजिस्टेंस ऑफ क्वाल थोड़ा सा इंडक्शन है बड़ा आसान सा है मैं समझा दूंगा आपको देखिए तो जनरेटर ए जनरेटर कैसे जैसे आ, क्लास के नीचे भी तो एक जनरेटर है तो क्लास के नीचे जो जनरेटर है साउंड प्रूफ जनरेटर क्लास के बाहर में लगा हुआ है और सेम कॉन्सेप्ट होता है सेम कॉन्सेप्ट उसमें भी देखिएगा तो उसमें भी डीजल इंजन है डीजल इंजन में हम लोग जस्ट फ्यूल ऐड करते हैं वो फ्यूअल जो होता है क्रैंक से अटैच होता है क्रैंक ऐसे रोटेट करेगा और फाइनली फाइनली वो क्रैंक का रोटेशन यही जनरेटर में ये यही रोटेशन यहीं से अटैच रहता है जो भी है सिस्टम है जनरेटर का जो सिस्टम होता है लास्ट यूनिट तो यही रहता है यहाँ पे जस्ट कपलिंग रहता है वो क्रैंक को ऐसे कपल कर देते हैं ये क्रैंक ऐसे से घूमेगा रोटेट करेगा उसी के अकॉर्डिंग ये वो भी रोटेट करेगा तो रोटेशन होता है, है इंजन है डीजल इंजन है डीजल इंजन का जो साफ्ट हुआ क्रैंक से अटैच है वो रोटेट करेगा और उसको कनेक्ट कर देते हैं हम लोग इसी जनरेटर से सेम मैकेनिज्म है आपके घर में भी जनरेटर होगा तो जनरेटर का जो लास्ट यूनिट होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी निकलता है उसका फिगर यही है उसके अंदर जब खोलेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है नॉर्थ एंड साउथ पोल है जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा एक क्वाइल होता है क्वाइल जो मेटालिक क्वाइल रहेगा उसके ऊपर खूब सारे टर्निंग रहेंगे और टर्निंग में जस्ट एंड नंबर ऑफ टर्न्स है वायर है रजिस्टेंस आर है और यहीं से जस्ट ये जो वायर है यहीं से करेंट निकलना शुरू हो जाता है इंड्यूस करेंट और वही जब बड़ा बड़ा थर्मल पावर प्लांट है जैसे एन है तो उसमें बहुत बड़े बड़े जनरेटर रहते हैं खूब बड़ा बड़ा और वो अटैच रहेगा यहाँ टर्बाइन से टर्बाइन घूमेगा टर्बाइन घूमता है और टर्बाइन से ये कपलिंग किया जाएगा जनरेटर को टर्बाइन जैसे घूमेगा ये भी घूमेगा और ये घूमेगा फ्लक्स को कट करता है जैस इंडक्शन में पढ़ना होता है फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा और वही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो वहीं से इंड्यूस ईमए इंड्यूस करेंट जनरेटन शुरू हो जा जाता है तो ये फिगर है ऐसे जनरेट करने के लिए और इसका इक्वेशन क्या है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशन बनाने के लिए एरिया नंबर ऑफ टर्न्स, एंगुलर स्पीड एंगुलर एंगल जो थीटा हुआ टाइम के टर्न में मैग्नेटिक फ्लक्स और रेजिस्टेंस स्टार्ट करते हैं डिराइव कर देता हूं मैं फाइव फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स 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 मैग्नेटिक फ्लक्स होता है एन बी ए एन वैक्टर बी डॉट वैक्टर ए एन बी एन इज द नंबर ऑफ पट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया आप जानते हैं एन डॉट प्रोडक्ट है तो बी और एन टू ए और इन टू कॉस्थीडर ठीक है दोनों में एंगल जो होगा आप इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे एन so, कॉन्स्टेंट है मैगडिक फील्ड कॉन्स्टेंट है ए कॉन्स्टेंट है और कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा। माइनस को लेफ्ट साइड ले एन हुआ बी हुआ ए हुआ और कॉस थीटा, साइन थीटा सॉरी और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यही टर्न यही टर्न तो हुआ करता था इंड्यूस्ड ईएमएफ आप पढ़े हुए इंड्यूस्ड ईएमएफ तो ये टर्न जो हुआ वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया थोड़ा सा और करेक्स थोड़ा करेक्स रुक जाइए थोड़ा सा करेक्स क्योंकि हमें टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करना है जबकि एंगल है वहाँ थीटा तो कोई नहीं अभी हो जाएगा तुरंत हो जाएगा तो करेक्शन ये करना है आपको ये थीटा की जगह आप पुट करेंगे ओमेगा इंटू टी जो एंगुलर स्पीड है और टाइम सो थीटा थीटा को रिप्लेस कर लीजिएगा ओमेगा इंटू टी क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में तो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे तो फ्लक्स एन बी ए कॉस ओमेगा टी अब ठीक है अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डी फाइव बाई डी टी एन कॉन्स्टेंट बी कॉन्सटेंट ए कॉन्स्टेंट और कॉस ओमेगा टी इसका डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं ओमेगा हो जाएगा ओमेगा बाहर निकलेगा और माइनस साइन ओमेगा ठीक है नेक्स्ट माइनस को इधर कर लीजिए माइनस और डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी और ये जो टर्म है यही टर्म इंड्यूस्ड ईएमएफ ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल तो आप जानते हैं कि माइनस और डी फाइव बाई डी टी ये जो टर्म होता है इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड ई का मतलब इंड्यूस्ड पोटेंशियल होता है पोटेंशियल आप इंड्यूस्ड ईमएफ या आप कह सकते हैं इंड्यूस्ड पोटेंशियल तो इस तरह आपका जो जनरेटर के अंदर जो रोटेट करता है क्वाल ना उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन के चलते ई एम जनरेट कर जाता है ई का मतलब पोटेंशियल वोल्टेज जनरेट कर जाता है और वो वोल्टेज का वैल्यू इतना है एन बी ए साइंस थिएटर सो वी इंड्यूस्ड या वी कहेंगे और वी इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड वोल्टेज इंड्यूस्ड वोल्टेज सो इंड्यूस्ड वोल्टेज जो आ गया वो फॉर्मूला हो गया एन और बी ओमेगा और साइनोमेगाट और इंड्यूस्ड करेंट चाहिए इक्वल टू आई आर आप जानते हैं V इक्वल टू हो गया I इन टू आर तो रेजिस्टेंस ऑफ क्वाल मैंने लिखा था स्टार्टिंग में तो बस आप V बाई आर कर लीजिए वो आ जाएगा इंड्यूस्ड करेंट वही ए सी अल्टरनेटिंग करेंट का वैल्यू होता है सो आई इंड्यूस्ड करेंट या फिर यही अल्टरनेटिंग करंट हो गया और ये आई जो हुआ वो वी बाई आर सो एन बी ए ओमेगा बाई आर साइन ओमेगा टी एस ये है रिजल्ट इंडस्ट करेंट के लिए और इंडस्ट वोल्टेज के लिए एन बी ओमेगा, साइन ओमेगा टी हो okay. गया तो अल्टरनेटिंग करंट यहीं से यही वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट का और मैक्सिमम uh, वैल्यू आप जानते हैं कि ये अगर इसका वोल्टेज वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए पिक वैल्यू चाहिए तो आपका इसका मैक्सिमम वैल्यू बनाने के लिए ये टर्म तो वेरिएबल है वो वन हो जाएगा चाहे करेंट का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये टर्म वन हो जाएगा तो आई आई नॉट वी नॉट लिखा जाता है तो पिक वैल्यू ऑफ करेंट पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज सो जो आपका वोल्टेज आया है एन बी ओमेगा और साइन ओमेगा टी। अगर हमें चाहिए वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू तो आपको एन बी ए ओमेगा और ये है साइन साइन ओमेगा टी ये मैक्सिमम वैल्यू और साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू साइन थ्री डा का मैक्सिमम वैल्यू वन होता है आप जानते हैं तो इसको इसको बोलेंगे वी नॉट ये हो गया एन बी एमेगा इंटू वन तो not जो होता है वो एन और बी ओमेगा इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू विनोट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड एफ या पिक वैल्यू ऑफ इंडमए या आ चुका है आई टी मेन में, में क्वेश्चन मैक्सिमम और पिक वैल्यू ऑफ इंडोसीएमए मैक्सिमम पिक वैल्यू है आप वैसे ही मैक्सिमम करेंट भी बना सकते हैं तो V इज इक्वल टू जो था वो आपका इंड्यूस वोल्टेज N B A ओमेगा और यहां था साइन ओमेगा तो इसको शॉर्ट में छोटा में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा ये इतना छोटा लिखा जाता है तो वी नॉट पिक वैल्यू है वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू है ये क्या है तो एन बी A ओमेगा ओमेगा की जगह टू पाई एफ भी लिख सकते हैं या नॉट की जगह आप लिख सकते हैं एन बी A ओमेगा ओमेगा का मतलब टू पाई एफ सेम तरीके से आप करंट करंट के लिए बना सकते हैं करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये वाला टर्म हो जाएगा पुट कर लीजिए आई एन बी ओमेगा बाई आर साइन ओमेगा टी ये है रीजन ये है मैक्सिमम वैल्यू हुआ तो आप लिख सकते हैं आई आई नॉट ओमेगा टी आई नॉट ओमेगा टी आई नोट का वैल्यू एन बी एमेगा बाई आर ऐसा ये मैक्सिम वैल्यू होगी तो यही था अल्टरनेटिंग करंट ए सी करंट जो था आई नॉट साइन ओमेगा टी जो फर्स्ट पॉइंट में मैंने डिस्कस किया था आपको सो so, यह है आपका डेरिवेशन ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है आई डी मेन में कि पिग वैल्यू ऑफ ई एम एफ इंड्यूस ई ए एम एफ ये पूछा हुआ है क्वेश्चन मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर लूंगा इससे भी आया हुआ है वो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा जो जो इस छोटे से फॉर्मूला से जो पूछा हुआ क्वेश्चन वो मैं डिस्कस कर दूंगा ये हो गया आपका ग्राफिकल no, फॉर्म चाहिए फोर्थ अल्टरनेटिंग करेंट तो so फाइनली आपका अल्टरनेटिंग करेंट हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं आई इज यू कॉल टू आई नॉट और साइन ओमेगा डी और मीनिंग आप समझना है कि आई नॉट का मतलब क्या है एन नंबर ऑफ टर्नस बी इज द मैग्नेटिक फील्ड ए इज द एरिया ऑफ क्वाइल ओमेगा द एंगुलर स्पीड और आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ क्वाइल ये हम लोग ऐसे लिखते हैं और इसका जब ग्राफिकल फॉर्म आप बनाएंगे तो यहाँ पे अगर आप आई uh, और टाइम के साथ भी अगर बना रहे हैं कि टाइम के साथ तो ये फंक्शन है साइन साडल फंक्शन ऐसा और इसको बोलेंगे वन साइकिल यहां से यहां जो हुआ वन साइकिल कहते हैं इसको यह है। तो वन साइकिल ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट का एक साइकिल है और यहां पे देखेंगे ऊपर वाले साइकिल में करंट पॉजिटिव है नीचे वाले साइकिल में करंट नेगेटिव है तो जस्ट वन साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट के एक साइकिल में करंट का मैग्नीट्यूड करंट का डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होते रहता है देखिए आपका यहाँ पे ऊपर गया ये पिक हुआ फिर घटते गया और डायरेक्शन भी ऊपर में फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव है नेक्स्ट हाफ में नेगेटिव है तो अल्टरनेटिंग करंट में मैंगजूट एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेज विथ टाइम और वन साइकिल में दो बार चेंज होता है एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा तो आप लिख लेंगे In alternating current, the magnitude and direction and direction of current changes with time. तो मैंचोर्ड भी और डायरेक्शन भी तो ये ग्राफ है साइनफेडल फंक्शन है इसी ग्राफ के चलते ए सी को जस्ट साइन वेव फंक्शन भी बोलते हैं ये हो गया कभी कभी आपको आता है कि जीरो से पिक वैल्यू तक जाना है जीरो से एवरेज वैल्यू तक जाना है तो so, क्वेश्चन रहता है मैं प्रेजेंट करता हूँ बट अभी और एक दो रिजल्ट ऐसे देख लीजिए अल्टरनेटिंग जो करंट है उसका फ्रीक्वेंसी हर कंट्री में वेरी करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जैसे हम लोग कंट्री में सो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो है फिफ्टी हार्ट मतलब जो भी सर्किट बना हुआ है जो हम लोग का जो जैसे हम लोग के कंट्री में ए जो घर में फ्रिज यूज कर रहे हैं या फैन यूज करते हैं बल्ब यूज करते हैं या एयर कंडीशन यूज करते हैं तो सब में जो सप्लाई जो सप्लाई करंट जा रहा है उस अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है ठीक है तो हम लोग कंट्री में जितने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे आप मोबाइल है चार्जिंग में लगाए हुए हैं तो मोबाइल के अंदर जो करंट जा रहा है या फिर आपका जो भी जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट घर में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है तो सब में जो सप्लाई करंट है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो फिफ्टी खर्च क्योंकि ये सप्लाई जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई हो रहा है वो गवर्नमेंट का सप्लाई है लाइन है क्योंकि एन जो है या जो भी आपका थर्मल पावर प्लांट है न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो ये सब गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है तो वो लोग वहाँ पे जस्ट इंडिया के लिए ये फिक्स कर दिया गया है कि यहाँ जो सप्लाई करंट होगा उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स रखना है अदर कंट्री में वेरी करते रहते हैं जैसे गाड़ी ही चलाते हैं हम लोग जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो अपना इंडिया में जो गाड़ी है वो राइट हैंड ड्राइव ड्राइव होता है राइट साइड से हम लोग चलाते हैं अदर कंट्री में जाइएगा तो बहुत सारे कंट्री में लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड ड्राइविंग सीट होता है तो वो वेरी करते रहते हैं उसी तरह हर कंट्री का जो होता है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सी वेरी करते रहता है हम लोग कंट्री में फिफ्टी हर्ज फिक्स है क्वेश्चन में दिया रहता है क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा अगर वेरी करेगा हंड्रेड लिखा रहेगा तो उसमें मैंसर रहेगा नहीं दिया हुआ है आपको फिफ्टी हज मान के क्वेश्चन बनाना है अगर आप फ्रीक्वेंसी फिफ्टी हज है तो टाइम पीरियड निकालेंगे टाइम पीरियड जो होता है वन बाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा और ये हो जाएगा वन बाई फिफ्टी हज ऐसे वन बाई फिफ्टी करेंगे तो ये हो जाएगा टू जीरो पॉइंट जीरो टू सेकेंड तो ये है टाइम पीरियड जो हम लोग कंट्री में जो करंट यूज कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट उसका फ्रिक्वेंसी और उसका टाइम पीरियड और पूछा जाता है कई क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा या टाइम पीरियड लिखा रहेगा और अब आप बताएंगे कि यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट है यह है करंट फंक्शन है साइन वेव यह साइन वेव फंक्शन है यह है वन साइकिल यह कहलाता है वन साइकिल यह है यह करंट जीरो और यह कहलाएगा करंट पिक वैल्यू ये करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना पिक वैल्यू आप पढ़े हुए आपने डिस्कस किया था एन बी ओमेगा बाई रेजिस्टेंस तो ये जो पिक वैल्यू है करंट का वो हो गया तो पूछा जाता है कि अब बताइए कि यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो वन साइकिल तो वन साइकिल में ये टाइम पीरियड कहलाएगा टी ये टी ये टिक हो गया अगर आप यहाँ से सिर्फ हाफ यहाँ तक जाएंगे अगर आपको सिर्फ यहाँ तक जाना है ये तो ये है हाफ साइकिल है हाफ साइकिल में ये हो गया टी बाई टू ये टी बाई टू होगी अगर आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं सिर्फ यहाँ तक तो ये जो हो जाएगा वो टी बाई फोर ये हो गया टी बाई फोर तो पूछा जाता है कि जीरो टू अगर फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए फ्रिक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी फिफ्टी हर्ट्ज है इससे रि, इसके रिलेटिव जो टाइम पीरियड हुआ टाइम पीरियड हुआ जीरो माइनस टू सेकेंड तो पूछा जाता है कि अगर हमें करंट को जीरो टू पिक वैल्यू जीरो से पिक वैल्यू तक जाना है करंट को जीरो से पिक वैल्यू तक जाना है तो कितना टाइम लगेगा तो आप देख रहे हैं जीरो से पिक वैल्यू जाने में टाइम लगा टी वे फोर ठीक है सो करंट को जीरो टू पिक वैल्यू ऑप्शन में रहता है कि जीरो टू पिक वैल्यू तक जाने में हमें टाइम कितना लगेगा तो वो टाइम निकालना होता है तो टाइम पूछा जाता है तो आप जो टाइम पीरियड है बाय फोर कर लीजिएगा ये जो टाइम पीरियड बाय फोर करना हो गया अब मैं कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ इसमें अल्टरनेटिंग करंट में तो अल्टरनेटिंग करंट uh, क्या है जैसे डीसी से कैसे डिफरेंट है तो डीसी जो है बैटरी से था अल्टरनेटिंग करंट जो हम लोगों के घर में जो गवर्नमेंट का जो सप्लाई लाइन है वहाँ से जो करंट आ रहा है वो अल्टरनेटिंग करेंट है वो अल्टरनेटिंग करेंट कहाँ से आता है तो वो जो नीरेस्ट पावर प्लांट है थर्मल पावर प्लांट हो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो हाइड्रो पावर प्लांट है उससे करेंट जनरेट किया जाता है बिहार में थर्मल पावर प्लांट से करेंट आता है अब वो थर्मल पावर प्लांट में कैसे करंट जनरेट करते हैं तो उसके लिए हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में पड़े हुए हैं कि क्या, किसी तरह जैसे बिहार में एन नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड वहाँ कोयला को जलाया जाता है खूब सारा कोयला को जलाएंगे उस कोयला को जला करके वाटर को कन्वर्ट करेंगे स्टीम में आप जानते हैं हॉट वाटर एंड स्टीम में स्टीम में बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है वो स्टीम को पाइपलाइन से सप्लाई करेंगे और टर्बाइन पे टर्बाइन उस स्टीम के एनर्जी से रोटेट होगा उसके ब्लेड्स डिजाइन रहते हैं रोटेट होगा वो टर्बाइन कनेक्टेड रहेगा जनरेटर से जनरेटर बहुत बड़ा बड़ा होता है और वो जनरेटर उसके ब्लेड्स जो हैं वो उनके क्वाइल हैं वो रोटेट करेंगे रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और उस रोटेशन के चलते ईएमएफ एम इंड्यूस्ड होता है वही इंड्यूस ईएमएफ करंट में कन्वर्ट हो जाएगा उसी को अल्टरनेटिंग करेंट बोलते हैं जिसका फंक्शन साइनसाइडल फंक्शन वो हम लोग ने प्रूव कर लिया डिस्कस कर लिया कैसे ई e जनरेट करता है करेंट का जो फंक्शन है और जो इंडिया के लिए है वो फ्रिक्वेंसी फिक्स कर दिया गया है यहाँ फ्रीकवेंसी फिफ्टी हज फिक्स है टाइम पीरियड फिक्स है उसको ग्राफ से रिलेट करेंगे तो अलग अलग टाइम पूछा जाता है आपको अगर क्वेश्चन में चेंज करना होगा तो यहाँ लिखा रहेगा कि ये 50 नहीं बल्कि कोई और फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा है तो 50 आपको मानना है जो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है कोई भी आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लेंगे आप तो उस पर देखेंगे कि कितने फ्रिक्वेंसी ए सी पे वो डिजाइन किया हुआ है तो फिफ्टी पे ये हो गया आपका और नेक्स्ट मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ एकदम सा क्वेश्चन है एक तो आईटी मेन का क्वेश्चन है अभी मैंने दो क्वेश्चन प्रेजेंट किया था ना आपको तो एक है आईटी मेन का क्वेश्चन क्वाल है नंबर ऑफ टर्न्स है एरिया है रेजिस्टेंस है एंगुलर स्पीड मैग्नेटिक फील्ड और हमें चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ में तो रेजिस्टेंस तो नहीं आएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ में आप जानते हैं ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एन आएगा बी आएगा ए था और ओमेगा प्रूफ हम लोग कर चुके हैं इसको और वहाँ पे पूछा गया है कि इसमें ये नीट का क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है रेडियस ऑफ क्वाल लिखा हुआ है सर्कुलर क्वाल है रेजिस्टेंस लिखा हुआ है और आरपीएम लिखा हुआ है आरपीएम का मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट हो गया आपका और इंड्यूस्ड करेंट का पिक वैल्यू चाहिए तो हम लोग जानते हैं आई नॉट यही होगा आ, एन एन है और ये है बी और ए और ये ओमेगा और डिवाइड बाई यहाँ पे रेजिस्टर ये हम लोग जानते हैं तो इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स नहीं लिखा हुआ है मैं एक बार आ, देख लेता हूँ क्वेश्चन क्वेश्चन तो जो क्लास में सीट में हम लोग देते हैं वो उसी से तो मैंने लिया है तो टेस्टला है सर्कुलर क्वाल रेडियस लिखा हुआ है रेजिस्टेंस लिखा हुआ रोटेट परपेंडिकुलर द डायरेक्शन डायमीटर ठीक है सब कुछ सही है और नंबर ऑफ टर्न नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब वन मान लेना है एक ही क्वाल है एक ही क्वाल सिंगल क्वाल है रोटेट कर रहा है अब चलिए पुट करते हैं इसमें एक पहले यूनिट देख लेते हैं एन 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 जो है वो वन ले लीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड करेक्ट है टेस्ला सही यूनिट है ऐसा यूनिट है सही है और एरिया चाहिए सर्किल है तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर आर देखेंगे थर्टी सेंटीमीटर है तो पॉइंट थ्री मीटर ऐसे, तो पाई आर स्क्वायर तो पॉइंट थ्री या नाइन इंटू टेन पे पावर माइनस टू सही यूनिट है और रेजिस्टेंस चाहिए तो ये भी ठीक ही है ओम सही है और हमें फाइनली एंगुलर स्पीड चाहिए और एंगुलर स्पीड जो होता है वो एंगुलर स्पीड टू पाई एफ टू पाई एफ ठीक है सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन ये लिखा हुआ है रिवोल्यूशन पर मिनट उसको चेंज करना है। पर सेकेंड ना तो यहां पे देखिए टू पाई फ्रीक्वेंसी टू हंड्रेड मिनट मिनट की जगह यहां सिक्सटी कर लेंगे रेडियन पर सेकेंड yeah. ये ये कैंसिल हो जाएगा फोर ये कट जाएगा यहाँ पे ट्वेंटी ट्वेंटी पाई बाय सिक्स थ्री रेडियन पर सेकेंड बाकी पुट कर लीजिए पुट करिए आईडी तो मेन से तो काफी अच्छा ये मेडिकल क्वेश्चन था यूनिट यूनिट को रीअरेंज करना खूब अच्छे से रखना ये सिर्फ लिख देगा कि रिवॉल्व 200 हंड्रेड आरपीएम तो मीनिंग समझना जो कि सर्कुलर मोशन में पढ़ा हुआ हम लोग का अब पुट करेंगे वन टेन पे पावर माइनस टू एरिया नाइन पाई टेन पे पावर माइनस टू ओमेगा ट्वेंटी पाई by थ्री ट्वेंटी पाई by थ्री रेजिस्टेंस पाई square ये एम्पियर में आ जाएगा अब हम लोग को इसको फाइनली सॉल्व करना है तो ये है पाई पाई स्क्वायर कट गया ये यहाँ कट गया और ये हो जाएगा थ्री ओ, ओ, रुक रुक आ, हाँ ठीक है मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर तो ठीक है पाई माइनस टू ठीक है अब हम लोग फाइनली ये हो गया टू और यहाँ हुआ सिक्स तो ये हुआ सिक्स टेन पे पावर माइनस थ्री सिक्स इंटू टेन पे पावर माइनस थ्री एम पी है तो सिक्स और माइनस थ्री को हटा सकते हैं मिली एम पी है तो मैं चेक करूँगा ये पिक वैल्यू ऑफ करेंट सिक्स मिली एम पी है आंसर है, है तो फंडामेंटल रिजल्ट जो है कैसे जो अल्टरनेटिंग करंट बनाया जाता है उससे भी क्वेश्चन आता है और मैं देखता हूँ और तो बहुत ईजी जी क्वेश्चन है और मैं अच्छा क्वेश्चन खोजता हूँ सो so, दोनों क्वेश्चन एकदम इजी है एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये फ्रिक्वेंसी uh, लिखा हुआ अल्टरनेटिंग करंट का एसी एसी जो है अल्टरनेटिंग करंट है और उसका फ्रीक्वेंसी है और टाइम टू रिच फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू तो आप जानते हैं पढ़ा हुआ है कि अगर यहाँ तक जाना है तो यहाँ तक वन साइकिल के लिए टाइम टी हो गया अगर यहाँ तक जाना है हाफ साइकिल के लिए टाइम टी बाई और अगर यहाँ से यहाँ तक जाना हो तो टाइम हो गया टी बाई ऐसे तो जो हमें टाइम जो निकालना था रेड कलर वाला टाइम वो है टी बाई फोर फ्रीक्वेंसी फिफ्टी लिखा हुआ तो फ्रीक्वेंसी का उल्टा टाइम पीरियड होता है तो आप जानते हैं किन बाई फ्रीक्वेंसी तो वन बाई फिफ्टी सो यहां पे हो जाएगा वन बाई टू हंड्रेड वन बाई टू हंड्रेड सेकेंड ये सॉल्व कर लीजिएगा जिस फॉर्म में रहेगा आंसर और नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी तो सेम ही है ठीक है देखिए यहाँ लिखा हुआ आई फंक्शन लिखा हुआ है और करेंट विल बी मैक्सिमम फॉर फर्स्ट टाइम करेंट विल बी द मैक्सिमम वो करेंट जो है वो जीरो से स्टार्ट हो गया और फर्स्ट टाइम मैक्सिमम हुआ तो फंक्शन देखेंगे तो आप जानते हैं आप जानते हैं कि आई इज इक्वल टू होता है अल्टरनेटिंग करेंट का इक्वेशन आई इज इक्वल टू आई नॉट और साइन और ओमेगा टी होता है ओमेगा और इन टी तो आप जब कंपेयर करेंगे तो ये टर्म जो हुआ ओमेगा ये वाला हंड्रेड पाई जो इक्वल टू ओमेगा हो गया ओमेगा टी और आप ये तो एक्स्ट्रा टर्म है इसका इससे कोई मतलब नहीं है मेन फंक्शन आपको ये साइन ओमेगा टी अल्टरनेटिंग करेंट का इक्वेशन जानते हैं ए आई जोक्ल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी या साइन थ्री जो है. तो अगर कंपेयर करेंगे इन दोनों फंक्शन से कंपेयर कर रहे हैं है, तो ओमेगा ओमेगा इज इक्वल टू जो हो गया वो हंड्रेड पाई और ओमेगा का मतलब होता है टू पाई एफ टू पाई एफ इज इक्वल टू हंड्रेड पाई तो इस तरह फ्रीक्वेंसी तो फिर से वही हो गया वो फिफ्टी हर्ज और फ्रीक्वेंसी का मतलब टाइम पीरियड वन बाई जो है वो है फिफ्टी वन बाई फिफ्टी सेकेंड और हमें चाहिए जीरो टू करेंट विल बी मैक्सिमम फॉर फर्स्ट टाइम करेंट विल बी मैक्सिमम जीरो टू मैक्सिमम फॉर फर्स्ट टाइम टी बाई फोर ठीक है सो जीरो टू करेंट मैक्सिमम यहां से यहां तक जाने के लिए जो टाइमिंग चाहिए वो है टी बाई फोर अगेन आंसर वन बाई टू हंड्रेड एक ही क्वेश्चन है दोनों तो आंसर है वन बाई टू हंड्रेड एकदम आसान है तो अल्टरनेटिंग करेंट कैसे जनरेट करना है ये हो गया अब अल्टरनेटिंग करेंट में हमें चाहिए एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट फर्स्ट हाफ साइकिल सेकेंड हाफ साइकिल कंप्लीट साइकिल और ग्राफिकल फॉर्म उसका चाहिए या एनी अननोन डाटा पे हमें एवरेज वैल्यू चाहिए करेंट का फिर उसके बाद आर चाहिए आर करंट जो हुआ वो चाहिए फॉर्म फैक्टर निकालना है पिक टू पिक करंट निकालना होता है तो छोटा छोटा टर्म है थोड़ा मैथ है अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप डायरेक्ट रिजल्ट को रिमेंबर कर सकते हैं समझना हो तो मैथ है ठीक है चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एवरेज बैलो करें नेक्स्ट so टॉपिक है यहां पे एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत आसान है आई जी कॉल टू जानते हैं ये आई नॉट है और इसका जो ग्राफिकल फॉर्म हुआ यहां आई है और ये टाइम है ऐसा आप ग्राफिकल फॉर्म जानते हैं ये है वन साइकिल ये वन साइकिल हो गया ठीक है ये फर्स्ट हाफ साइकिल हुआ और इसमें करंट पॉजिटिव है नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट देख रहे कि निगेटिव है ठीक है तो ऐसे बोलेंगे ठीक है तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो इसको ऐसे इसलिए लिखा जाता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फर्स्ट हाफ साइकिल अगर फर्स्ट हाफ साइकिल में पढ़ेंगे फर्स्ट हाफ साइकिल तो फर्स्ट हाफ साइकिल में यह होगा पॉजिटिव यह पॉजिटिव ठीक है और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंड हाफ साइकिल सेकेंड ये वन साइकिल का दूसरा पार्ट वो निगेटिव है ओवरऑल साइकिल में एक में पॉजिटिव दूसरे में निगेटिव ओवरऑल जीरो होता है ओवरऑल साइकिल वन साइकिल के लिए पढ़ेंगे तो इक्वल होता है अपोजिट होता है वन साइकिल में जीरो हो जाएगा तो वन साइकिल तो अल्टरनेटिंग करंट का वन साइकिल हो तो एवरेज वैल्यू जो हो जाएगा वो जीरो तो एवरेज वैल्यू जो होता है वो इसका जीरो होता है तो वन साइकिल में अगर वन कंप्लीट साइकिल देखेंगे तो जीरो हो जाएगा और हाफ़ साइकिल में पॉजिटिव है नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव है तो एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है कि अच्छा फर्स्ट हाफ के लिए बना दीजिए क्या मैन है सेकेंड हाफ़ के लिए भी बना दीजिए दिखाइए और ओवरऑल तो जीरो है और यहाँ एक आई मेन का क्वेश्चन आया था आया था जो मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा कि अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग करंट को कभी भी डीसी सी से अगर आप मेजर करेंगे तो वो कभी भी मेजर नहीं हो पाएगा क्योंकि डीसी सी जो रीड करता है वो एवरेज करंट रीड करता है और इसमें तो एवरेज वैल्यू जीरो है डीसी सी आप समझ रहे हैं आप जब ट्वेल्थ क्लास में जाएंगे स्कूल में फिजिक्स में लैब में जाते हैं लैब में आपको मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट पोस्ट ऑफिस बॉक्स एक्सपेरिमेंट अमीटर पढ़ना होता है वोल्ट मीटर है वो एक्सपेरिमेंट करना होता है और वहाँ रखा रहता है अमीटर रखा रहता है जिसमें हम लोग देखते हैं डिफ्लेक्शन होता है करंट के थ्रू जो उसमें हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो करंट में डिफ्लेक्शन आता है ठीक है तो वो उसको डीसी डीसीआमीटर बोलते हैं और वो एवरेज रीडिंग करता है अल्टरनेटिंग करंट अगर उसमें ए जोड़ दीजिएगा तो वो कभी रीड करता ही नहीं है क्योंकि इसका एवरेज वैल्यू ही जीरो हो जाता है ठीक है तो यहां आप लिख लेंगे कि डी so, सी एमेटर कैनॉट रीड द एसी करंट बिकॉज एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी अल्टरनेटिंग करेंट का एवरेज वैल्यू जो होता है वन साइकिल में जीरो होता है तो डीसी आमीटर जो है ना उसमें अगर आप करेंट अल्टरनेटिंग करेंट लगा दीजिएगा तो वो रीडिंग नहीं करता है. क्योंकि वो रीड करता है एवरेज वैल्यू और इसमें तो होता ही नहीं है एवरेज वैल्यू एक साइकिल में जीरो हो जाता है चलिए हाफ साइकिल में तो है नेक्स्ट हाफ साइकिल में है एक में पॉजिटिव है नेगेटिव है कितना है वो निकालना है निकालने में मैथ यूज होगा और मैथ नहीं आपको करना है तो रिलेट करिए कुछ दूसरे टॉपिक से रिलेट करिए मैं तो प्रूफ करूँगा मैं मुझे तो बताना है आपको तो मैं तो आपको समझाऊंगा बट आप रिलेट करिए नेक्स्ट सेकंड पॉइंट ऐसे कुछ दूसरे टॉपिक से रिलेट करिए जरा ध्यान से देखिए तो ये है सेमी सर्कुलर रिंग ये सेमी सर्कुलर आर रिंग ठीक है सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है।, रिंग। ठीक, है। ठीक है और जिसका रेडियस है आर ये रेडियस आर ये रेडियस आर है ये इसका यहाँ पे है ठीक है तो दो टॉपिक एक टॉपिक है आपका सेंटर ऑफ मास दूसरा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी कि अगर आपको याद हो कि सेमी सर्कुलर रिंग सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है तो सेंटर ऑफ मास एकदम इस जगह पे रहेगा यहाँ पे ठीक है ये है इसका सेंटर ऑफ मास और इसका वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होता है ऐसे तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास जो है वो है 2r π 2r π होता है ये ये हम लोग पढ़े हुए थे ये ऐसे पढ़े हुए थे इस तरह से तो ये डिराइव भी किया हुआ है आपका सेंटर ऑफ मास में और वर्क पावर एनर्जी में भी वर्क पावर एनर्जी में भी ठीक है कि अगर इस सेमी सर्कुलर रिंग है और इस सेमी सर्कुलर रिंग जिसका मास m है और इसका u चाहिए u ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता था ना एम जी एच एच कहाँ से सेंटर ऑफ मास से अर्थ ये मान लीजिए ये अर्थ है तो अर्थ से उसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस तो एम जी एच तो एम जी वाई सेंटर ऑफ मास का मतलब हुआ एम जी टू आर बाई पाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा हुआ है और वो सेंटर ऑफ मास में पढ़ा हुआ है. तो उस रिजल्ट को अगर आप रिलेट करेंगे ना तो आप अगर मान लीजिए आपको रटना है यादि करना है तो वो इससे समझ में आ जाएगा तो अब देखिए यहां पे मुझे तो डायरेक्ट करना है मैं साइंस को याद करने के कभी मैं नहीं बोलता हूँ कि आप याद कर लीजिए बट अगर आप को रिलेट करना चाहें तो उससे आपको ये समझ सकते हैं जैसे यह है फर्स्ट हाफ साइकिल ये टाइम है और ये करेंट है और ये हुआ आपका फर्स्ट हाफ साइकिल ये।, ये है फर्स्ट हाफ साइकिल ठीक है फर्स्ट हाफ साइकिल हुआ आप जानते हैं पिक पिक वैल्यू जो करंट हुआ ये करंट जो हुआ आपका जो पिक वैल्यू है इस पिक वैल्यू को करंट को बोलते हैं आई नॉट तो ये जो हुआ यहां से ये डाटा जो हुआ ये वाला हुआ आई नॉट आई नॉट हुआ ये पिक वैल्यू ये पिक वैल्यू और इसका जो सेंटर ऑफ मास लेंगे इ, इ, लग रहा है ना उस तरह से सेमी सर्कुलर सेमी सर्कुलर जैसे रिंग की तरह से और इसका जो सेंटर ऑफ मास लेंगे ये ये जो इसका सेंटर ऑफ मास लेंगे अगर ये आर है तो उसके रिस्पेक्ट में ये वाला डिस्टेंस जो होगा रिलेट करिए टू आई नॉट बाई पाई टू ये जो आर था ऐसे था टू और ये आर जो है ये पूरा जो आपका रेडियस है तो टू आर बाई पाई तो आर की जगह ये क्या है आई नॉट है तो टू आई नॉट बाई पाई यही आंसर होता है ठीक है तो एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट इन द फर्स्ट हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट अगर आप लेंगे तो टू आई नॉट बाई पाई तो यह है आपको रिजल्ट जो को रिलेट करके अगर आपको याद करना हो तो आप बना सकते हैं बट मैं कभी साइंस को याद करने के लिए नहीं बोलता हूँ मैं साइंस को डेराइव करना कैसा आपको मतलब फंडामेंटल रिजल्ट क्या है कैसे एवरेज वैल्यू निकाला जाता है वो मैं समझाऊंगा आपको ठीक है बाकी आपको रिलेट करना हो तो ऐसा यही सेकेंड हाफ साइकिल में करेंगे तो नीचे चला जाएगा वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाएगा तो माइनस टू आई नॉट बाई फाइव अब चलिए मैं डिराइव कर देता हूँ उसका in first half cycle फर्स्ट हाफ साइकिल और वैसे ही आप नेक्स्ट हाफ साइकिल में कर लीजिएगा मैं कर भी दूंगा यहां पे ये है टी बाई टू फर्स्ट हाफ साइकिल आई जानते हैं और मुझे चाहिए इसमें एवरेज वैल्यू फर्स्ट हाफ साइकिल ऐसे रिजल्ट है मेरे पास बट तरीका क्या है जो फंडामेंटल रिजल्ट है एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट इन फर्स्ट हाफ साइकिल इज इक्वल टू तो, ये ऐसे लिखा जाता है ऐसे आई टू डी टी और नीचे में करेंगे डी टी ऐसा और टाइम लेंगे फ्रॉम जीरो तो टू टी बाई टू यह है जीरो टू टी बाई टू और जीरो टू टी बाई टू ऐसा पुट कर लीजिए इंटीग्रेट कर लीजिए आएगा तो यही आपका चलिए देखते हैं नीचे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टाइम हो गया और जीरो टू टी बाई टू और ऊपर में हो गया यहां पे आई आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी जीरो टू टी बाई टू आई नॉट हो गया नीचे में पुट करेंगे टी बाई टू और ये तो जीरो हो गया तो टी बाई टू टी और टू ऊपर चला जाएगा ठीक है और यहां पर साइनोमेगा डी टी छुट गया डी टी छूट गया ओमेगा टी और डी टी जीरो तो टू टी बाई टू साइन ओमेगा टी इंटीग्रेशन ठीक है तो वन बाई ओमेगा टू आई नॉट बाई टी और ये ओमेगा नीचे आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी तो माइनस यहाँ कर लेंगे और कॉस ओमेगा टी जीरो टू टी बाई टू पुट कर लेंगे टू आई नॉट टी इन टू ओमेगा सो कॉस ओमेगा टी बाय टू माइनस ये कॉस जीरो ठीक है और आप जानते हैं आप आप पढ़ा हुआ है कि आपका ओमेगा टी ठीक है सो ओमेगा इज इक्वल टू जो होता है ना ओमेगा इक्वल टू वो आप जानते हैं ना टू पाई बाय टाइम पीरियड होता है तो ओमेगा इंटू टी ओमेगा इंटू टी का जगह हो जाएगा टू पाई ये तो कहीं भी आप किसी भी सर्कुलर मोशन किसी भी मोशन के लिए लगा सकते हैं तो मेगा इंटू टी और टू पाई और बाई टू करेंगे तो पाई हो जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस जीरो हो गया कॉस पाई कॉस जीरो डिग्री कॉस पाई माइनस वन ये वन हुआ माइनस टू कट जाएगा और यहाँ पे भी ओमेगा इंटू टी ओमेगा इंटू टी के जगह टू पाई रख लीजिएगा और टू और टू कट जाएगा ठीक है देखिए माइनस टू आई नॉट टू पाई और यहाँ है माइनस वन माइनस वन तो माइनस टू तो कैंसिल हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया टू टू कैंसिल हो गया तो एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट इन द फर्स्ट हाफ साइकिल जो हो गया वो है टू और आई नॉट टू आई नॉट बाई पाई आगे नेक्स्ट हाफ साइकिल में करना हो सेकेंड हाफ साइकिल में वो भी बना सकते हैं वो आएगा निगेटिव यही वैल्यू है माइनस साइन में आएगा देखिए क्या क्या चेंजेस होगा यहाँ पे तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंड हाफ साइकिल सेकेंड हाफ साइकिल देखिए ये ये सेकेंड हाफ साइकिल हम लोग इसके बारे में प्लानिंग करें इसके लिए प्लान करना है सेकेंड हाफ साइकिल के लिए लिमिट बताएंगे तो ये है आपका लिमिट ये लिमिट है टाइम का लिमिट है टी बाई टू और ये टाइम का लिमिट है टी बाकी आपका सेकेंड हाफ साइकिल के लिए बना लीजिए ये लिमिट बेस्ट चेंज हो जाएगा सो टी बाई टू टू टी यह है टी बाई टू टू टी टुट करिए सेकेंड हाफ साइकिल सो टी बाई टू टू टी ये तो वही रहेगा टी पुट करेंगे माइनस टी बाई टू तो टी बाई टू ये तो वही रह गया यहां चेंज हो रहा है टी बाई टू टू तो टी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस माइनस हो गया ये कॉस ओमेगा टी तो ये है टी बाई टू और टी सेकेंड हाफ साइकिल ये इसके जगह पे टू पाई कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी बाई टू देखिए सेकेंड हाफ साइकिल में माइनस आई नॉट बाई पाई कॉस ओमेगा टी तो कॉस टू पाई कॉस ओमेगा टी बाई टू कॉस पाई ऐसे कॉस्ट टू पाई कॉस्ट टू पाई पुट करेंगे सो कॉस्ट टू पाई हो गया वन और ये जो हो गया कॉस्ट टू पाई कॉस्ट जीरो एक ही चीज है और वन हो गया और माइनस माइनस वन तो ये है माइनस आई नॉट बाई पाई और ये है आपका वन माइनस माइनस वन तो ये है टू माइनस टू आई नॉट बाई पाई तो ये है एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट इन सेकेंड हाफ साइकिल फर्स्ट हाफ साइकिल हो गया सेकेंड हाफ साइकिल हो गया ठीक है तो यह है मैथमेटिकल मेथड जो ओरिजिनल मेथड है भाई याद करने के लिए मैंने आपको रिलेट करना सिखाया था सेमी सर्कुलर रिंग से ये हो गया और एग्जाम में मान लीजिए अननोन कोई आ गया कोई भी डाटा दे दिया कि मुझे चाहिए एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट इन टी बाई सिक्स टू टी बाई फोर टी बाई थ्री टू टी बाई फोर कुछ भी डाटा आ गया तो जैसे सो एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट लिए एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट फ्रॉम इन ए सी फ्रॉम टी वाई सिक्स टू टी वाई फोर टी वाई सिक्स टू टी बाई फोर ऐसा कोई भी अननोन डाटा दे दिया जाता है कोई भी अननोन डाटा रहेगा कोई भी अपने मन से मैन ले लिया कि यह है आपका करंट और ये एसी है अल्टरनेटिंग करंट है तो मुझे चाहिए कोई भी बीच में कोई डाटा मिल जाएगा यह है आपका जैसे ये डाटा हुआ टी वाई फोर है ये टी वाई फोर और यह है टी वाई सिक्स अब मुझे इसके बीच में एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट चाहिए ठीक है मेथड वही है सेम मेथड है मेथड वही आपका रहेगा कि आपको एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इस जोन में चाहिए आप पुट कर लीजिए यह है टी बाई सिक्स ये है टी बाई फोर सो टी बाई फोर टी बाई सिक्स पुट करिए सो नेक्स्ट यह है आई नॉट कॉमन निकल जाएगा ये डाटा आप पुट करेंगे तो यहाँ पे t बाई फोर और माइनस टी बाई सिक्स तो ये हुआ सिक्सटी माइनस फोर टी और टू टी बाई यहाँ हो जाएगा फोर इंटू सिक्स सो t बाई ये हो गया आपका ट्वेल्व तो यहाँ पे है t बाई ट्वेल्व ये पुट करेंगे टी वाई फोर माइनस टी वाई सिक्स टी वाई फोर माइनस टी वाई सिक्स ये पुट कर लीजिएगा ये हो गया आपका टू टी बाई ट्वेंटी फोर टी वाई ट्वेल्व ये अभी इधर के रखिएगा सिक्स टी वाई फोर नेक्स्ट सो माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व आई नॉट बाई टी और ओमेगा आ जाएगा ये ओमेगा टी ये ठीक है टी बाय सिक्स टी बाई फोर माइनस ट्वेल्व आई नॉट ओमेगा टी इज यू टू पाई और कॉस यहां पे हो गया कॉस ओमेगा टी बाई फोर डी बाई सिक्स ऐसे पुट करेंगे यहां पे ये हुआ आपका माइनस सिक्स आई नॉट बाई पाई ये और यहां पे कॉस ओमेगा टी ओमेगा टी बाय फोर तो टू पाई बाय फोर पाई बाय टू माइनस कॉस ओमेगा टी सो टू पाई बाय सिक्स पाई बाय थ्री ये तो जीरो हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो गया लिख लीजिए यह है जीरो और माइनस कॉस सिक्सटी डिग्री कॉस सिक्सटी डिग्री वन बाई टू सो वन बाई टू ऐसे, सो so, सॉल्व करना है आपको और इस तरह एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो गिवेन इंटरवल था उसमें आ जाएगा आपका थ्री आई नॉट बाई फाइव तो यह है स्टैंडर्ड मेथड जिससे कि आप एवरेज वैल्यू किसी भी टाइम जोन में आप बना सकते हैं अदरवाइज फर्स्ट हाफ साइकिल सेकेंड हाफ साइकिल आप याद भी कर सकते हैं जो मैंने रूल समझा दिया था इसके ग्राफिकल फॉर्म आप पढ़ना हो तो देखिए सो आई आई नॉट और ओमेगा टी सो करंट और टाइम के लिए आपको जानते हैं कि ये जो फंक्शन हुआ वो फंक्शन ऐसा ऐसा और ये जो एवरेज अगर पढ़ेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ऐसा अगर हम लोग प्लान करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट तो अगर हम लोग फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए प्लानिंग करेंगे अगर ये फर्स्ट हाफ साइकिल है अगर ये जो फर्स्ट हाफ साइकिल है उसके लिए प्लान करेंगे ये फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू पॉजिटिव था आपने पढ़ा था टू आई नॉट बाई पाई तो ये कांस्टेंट है तो ये ये जो इंस्टेंटेनियस करंट का ऐसा ग्राफ चलता है जबकि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एसी में ऐसे ये ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा और ये वैल्यू है जानते तो हैं टू आई नॉट बाई पाई ये टू आई नॉट बाई पाई और नेक्स्ट हाफ साइकिल होगी यहां से तो यहां से यहां के लिए से होगा एवरेज वैल्यू ऑफ करंट वो निगेटिव होगा बट होगा कांस्टेंट माइनस कर लीजिएगा तो ये है आपका एवरेज वैल्यू ऑफ करंट के लिए ग्राफ, ऐसे। तो इस वन साइकिल में इसलिए जीरो आ गया था एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव सेकेंड हाफ साइकिल नेगेटिव तो इस तरह ए में खूब मैथ खूब है बट आप लास्ट में आप देखेंगे ना कि आप एक पेज पे भी आप पूरे ए का रिजल्ट को लिख सकते हैं तो डेरिवेशन है उसमें तो मैथ यूज होगा और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें मेडिकल में ही आता है तो मेडिकल फ्रेंड को मैथ उतना यूज करने की जरूरत नहीं है आप फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ ही बस फॉलो करिए ना तो फर्स्ट हाफ साइकिल तो फर्स्ट हाफ साइकिल जो हुआ वो है प्लस टू आई नॉट बाई पाई और नेक्स्ट हाफ साइकिल जो है वो है माइनस और टू आई नाट बाई पाई और इस तरह अगर हमें चाहिए एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट इन वन साइकिल तो वन साइकिल में आ गया आंसर जीरो यह है एवरेज वैल्यू के लिए आ, अब बचा है इसमें आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करेंट इन ए सी नेक्स्ट क्लास में